हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को हम एनसीईआरटी की बुक से ऑफिशियल बुक से हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को उसमें पूरा पढ़ा चुके हैं हम। अब कक्षा 12 की एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता टॉपिक को। और फ्रेंड्स, इजी वे में, वन लाइनर वे में आप एनसीईआरटी को इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ पाओगे जितना कि इस वीडियो में आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता था। तो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों एवं मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था, ताकि लंबी दूरी पर जो ये सामान ट्रैवल कर रहा है इसके साथ कोई छेड़खानी न करे, कोई यूज न कर पाए, इसको बदल न पाए। इसके कारण एक सील के रूप में मोहरों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जैसे ही उसको यदि हम खोलेंगे उस सामान को तो वो मोहर टूटी हुई मिलेगी। तो मोहर किस तरह से लगाई जाती थी, सामान से भरे थैले का मुख रस्सी से बांधकर गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों का से दबाया जाता था। तो इस तरह से ये मोहर लगाई जाती थी उस टाइम, यदि कोई खोलता तो वो सील टूटी हुई मिलेगी। सामान भेजने वाले के बारे में उस समय कैसे पता चलता था, तो सामान भेजने वाले के बारे में उस समय किसे मुद्रांकन, ये जो मुद्रांकन मोहर जो लगाई जाती थी इसमें और में वो उनकी लिपि में हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी भावचित्रात्मक लिपि थी उस लिपि में कुछ लिखा हुआ होता था, और वहाँ के राष्ट्रीय पशु का जैसे एक तरह से राष्ट्रीय पशु ही थे, कुछ एक पशु उनके लिए पूजनीय थे, उनके चित्र भी बने हुए होते थे। जैसे कि बहुत सी मोहरों पर एक सिंगा के चित्र बने हुए मिले हैं और कुब्बड़ वाले सांड के चित्र भी उनकी मोहरों पर मिले हैं। क्या हड़प्पा काल की लिपि पढ़ी जा सकी है, तो हड़प्पा काल की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है। पेज संख्या 15 पढ़ रहे हैं, पेज संख्या 15 में जो लिखा हुआ है ऑफिशियल बुक में वही हम बता रहे हैं आपको। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम या पदवी को दर्शाता है। तो हड़प्पाई मोहर, अभी आपको फोटो भी दिखाई जाएगी उसकी, मोहरों पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप में इसका अर्थ बताता है। आमतौर पर एक जानवर होता था, तो उस टाइम भी अनपढ़ लोग रहे होंगे तो उनको संकेत के रूप में बता देता था कि ये उस जगह से आई है ये सामान। तो इस तरह से कार्य करता था उस टाइम का मोरे वगैरह। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है, तो एनसीईआरटी की बुक में इस लिपि में चिन्हों की संख्या बताई गई है 375 से 400 के बीच में चिन्ह थे। पेज संख्या 15 ही चल रहा है ये। ईंट बन के अवस्थियाँ टॉपिक का नाम है। निश्चित रूप से यह वर्णमालीय लिपि स्वर व्यंजन नहीं थी, तो इसमें स्वर व्यंजन नहीं थे इसमें, इस लिपि में भावचित्रात्मक लिपि थी चित्रों के रूप में। यू अक्षर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है इनकी जो लिपि है, और मछली नुमा जो अल्फाबेट भी इनका रहा है एक मछली के रूप में। हड़प्पाई लिपि खालिस्तान और लिखी जाती थी, दाई से बाई और इनकी लिपि लिखी जाती थी। हिंदी और इंग्लिश में लिखी, हिंदी और इंग्लिश कैसे लिखी जाती हैं, बाई से दाई और, जैसे ये मैंने हिंदी में लिखा है कुछ तो यहाँ से शुरू करके ये बायां हिस्सा है, बाएं से दाएं ओर मैंने लिखा है, लेकिन ये इसका उल्टा लिखी जाती थी, यानी यहाँ से लिखना शुरू करते थे और यहाँ तक ऐसे लिखते थे। सैंधव लिपि किन किन वस्तुओं पर लिखी मिली है, तो किन किन पर लिखी हुई मिली है ये, मोहरों पर, तांबे के औजारों पर, आभूषणों पर, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर, अस्थि छड़े व प्राचीन सूचनापट। सूचनापट कहाँ से मिला है, एक प्राचीन सूचनापट ये मिला है दुर्लभ वीरा से। प्राचीन सूचनापट का पिछले वीडियो में भी चित्र दिखाया था, इसमें भी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी ये लिपि लिखी गई होगी, जैसे कपड़ा, लकड़ी, लेकिन वो गल गए होंगे, हमें वो नहीं मिले, क्योंकि हमने खोद कर इस सभ्यता के बारे में पता लगाया है तो कपड़ा और लकड़ी को ये गल जाते हैं मिट्टी में, तो ये नहीं मिले होंगे, इन पर भी शायद इन्होंने अपनी लिपि लिखी होगी। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग साक्षर थे, तो साक्षर तो थे ही क्योंकि उनकी एक लिपि थी, क्योंकि वो लिखना जानते थे, तो इससे उनकी लिपि से ही साबित हो जाता है ये साक्षर थे वो लोग। ये एनसीईआरटी का पेज संख्या 15 है ऑफिशियल बुक का, और ये जो दुर्लभ वीरा से जो साइन बोर्ड हमें मिला है
एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर। इस तरह से इस सभ्यता की लिपि के अक्षर लिखे हुए जाते थे, भावचित्रात्मक लिपि थी इनकी। तो ये मुद्रांकन के बारे में जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये रोपड़ से मिला हुआ एक मुद्रांकन है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में, पंजाब में सतलुज नदी के तट पर ये शहर स्थित है रोपड़। तो यहाँ से एक मुद्रांकन उस टाइम का मिला है। इस तरह से वो मुद्रांकन करते थे, चीज़ों को सील पैक करते थे। और रहस्य में ही लिपि थी इनकी। ये एक पुरोहित राजा की उस समय सेलखड़ी से बनी हुई एक मूर्ति है। इसके बारे में भी अगले पेज में के क्वेश्चंस में, अगला पेज 16 पेज को हम कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस में हम करेंगे। इस सभ्यता के बाट सामान्यतः किस पत्थर के बनाए गए थे? तो किस पत्थर के बनाए गए थे? चार्ट। ये एक विशेष प्रकार का पत्थर था। बाट आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार के होते थे, किसी भी निशान से रहित होते थे, घनाकार के होते थे ये बाट। इनके तोलने के काम ये लेते थे इनको। हड़प्पाई लोग जो हैं छोटे बाटों का प्रयोग किससे तोलने के में करते थे? छोटे आकार के जो बाट थे उनका प्रयोग करते थे ये आभूषणों एवं मनकों को तोलने के लिए। मनकों का व्यापार उस समय बहुत ज़्यादा होता था, मन के बहुत ज़्यादा पहनते थे लोग। धातु के बने तराजू के पल्लड़े भी खुदाई में मिले हैं। कई तरह के पल्लड़े जो हैं इस सभ्यता के दौरान मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तांबे का पैमाना भी मिला है, लोहे का भी, कई सारी धातुओं का मिला है। कौन सी वस्तुएं सभी हड़प्पाई स्थलों से एक रूपता से पाई जाती हैं? तो कौन सी वस्तुएं हैं जो सभी हड़प्पाई स्थलों में पाई जाती हैं? करीब 1400 से 1500 के करीब हड़प्पाई स्थल खोजे जा चुके हैं और अब भी इनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। कई बुक्स में आपको 1700 हड़प्पाई स्थल खोजे गए दर्शाया गया मिलेगा। सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। तो मर्द बांड, मोरे, बाट और ईंटें, ये सभी जगह मिली हैं। ईंटें सभी जगह मिली हैं, पकी हुई ईंटें मिली हैं ज़्यादातर जगह पर, जो पकी हुई ईंटें आग में पकी हुई ईंटें मिली हैं। बाट मिले हैं, मोरे मिले हैं हर जगह, और मर्द बांड यानी मिट्टी के बर्तन हर एक जगह से मिले हैं। और मिट्टी के बर्तनों से ही सभ्यताओं की पहचान की जाती है कि ये किस काल की सभ्यताएँ के अंतर्गत थी। और C14 कार्बन डेटिंग मेथड भी हालांकि आजकल यूज किया जाने लगा, लेकिन पहली नज़र में वो मर्द बांड यानी मिट्टी के बर्तनों से ही पता लगा लेते हैं जो पुरातत्वविद होते हैं, वो मर्द बांडों को देख कर कि ये किस काल के अंतर्गत के मर्द बांड हैं। सभी केंद्रों पर ईंटें एक ही अनुपात में पाई गई हैं, तो किस अनुपात में मिली हैं? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का इनका अनुपात रहा है, क्या रहा है? 4:2:1 रहा है। लंबाई जो थी इनकी ज़्यादा थी, 4 गुना थी, और जो चौड़ाई जो है 2 गुना थी किसकी? ऊंचाई की। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। पृष्ठ संख्या 16 ये देख रहे हैं हम। मोहनजोदड़ो से मिली पत्थर की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी, पुरोहित राजा उसको बोला गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वो पत्थर की मूर्ति। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसमें किन का शासन रहा है? इसी कारण से इसको पुरोहित राजा नाम दिया गया है, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो इसके समकालीन सभ्यता थी उसमें किन का शासन? पुरोहित राजाओं का ही शासन रहा है हमेशा से। हड़प्पा काल के दौरान राजाओं के संबंध में पुरातत्वविदों ने के अलग अलग मत हैं कि उस समय राज्य व्यवस्था किस तरह से थी, इसके बारे में अलग अलग मत हैं। हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, सभी का सामाजिक स्थिति समान थी, ये मानते हैं कुछ एक वैज्ञानिक। अलग अलग शहरों में अलग अलग शासक थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और सभी जो स्थल थे उनमें सभी में अलग अलग राजा थे। सारा हड़प्पा क्षेत्र एक ही राज्य था। तो ये विचार हैं, तीनों अलग अलग विचार हैं कि इस तरह से उस टाइम राज्य व्यवस्था चलती थी। पृष्ठ संख्या 17 देख लेते हैं अब। किस वर्ष तक अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों यानी चोलिस्तान को त्याग दिया गया था? तो 1800 ईसा पूर्व तक जो विकसित हड़प्पा स्थल है उनको त्याग दिया गया था। कुछ कारण रहे होंगे, बाढ़ वगैरह या फिर सूखा पड़ा होगा
या जो उनके आसपास की भूमि अनुपजाऊ हो गई होगी, अनाज अच्छी तरह से उपजता नहीं होगा। चोलिस्तान के क्षेत्रों को त्याग कर लोग किन स्थानों पर नई बस्तियां बनाने लगे थे? तो ये जो मेन जो चोलिस्तान एरिया था, सिंधु का एरिया था, उसको छोड़कर ये लोग बसने लगे थे गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। यहीं पर हड़प्पा के ज़्यादातर, उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र खालिस्तान ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, 1900 ईसा पूर्व के बाद में भी अस्तित्व में रहे हैं बहुत से हड़प्पा क्षेत्र। उत्तर हड़प्पा के क्षेत्रों की पुरावस्तुएं व बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। तो इसके बाद की जो सभ्यता थी उसका नाम था वैदिक सभ्यता, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और ये जो सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी। तो इनका इंटरकनेक्शन यहीं से होता है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के लोग ने बाटों, मोरों और मनकों का प्रयोग बंद कर दिया था। तो इन शहरों में जो उत्तर हड़प्पा के क्षेत्रों में, क्योंकि शायद कारीगर होंगे वो स्थानांतरित हो गए होंगे या इनकी डिमांड कम हो गई होगी, मोरों मनकों इनका प्रयोग कम हो गया था। ग्रामीण एरिया में रहने लग गए थे, खेती मुख्य व्यवसाय बन गया था। थोड़ी वस्तुओं के निर्माण में थोड़ा ही माल प्रयोग लाया जाता था। तो उस समय सीमित साधनों का प्रयोग करने लग गए थे लोग, ज़्यादा सुख सुविधाओं का प्रयोग उत्तर हड़प्पा काल में, क्योंकि पानी वगैरह की कमी या कुछ इस तरह से उनको दिक्कतें आई होंगी। हड़प्पा सभ्यता से उत्तर हड़प्पा संस्कृति तक इतने अधिक बदलाव क्यों आए? तो ये इतने ज़्यादा चेंज क्यों आए थे इस सभ्यता में? इन बदलावों के कई कारण हो सकते हैं। ये हैं क्या क्या हैं? जलवायु परिवर्तन है, तो इसके पतन के भी यही कारण है। यदि पतन के कारण आपसे पूछ लिया जाए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाए तो, वनों की कटाई और अत्यधिक बाढ़, इस कारण से उन्होंने हड़प्पा के क्षेत्रों को छोड़ दिया था। ज़्यादा बार बार बाढ़ आ रही थी, वो मकान बना रहे थे और फिर वो ढह जा रहे थे ज़्यादा बाढ़ आने से। नदियों में का सूख जाना, जो नदियाँ थी, नदियों के किनारे ही ज़्यादातर मुख्य मुख्य शहर बसे हुए थे। मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे सभी मुख्य शहर, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और जो तो सारे मुख्य स्थल नदियों के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, तो नदियों के तट पर ही बसे हुए थे। तो इनका सूख जाना या मार्ग बदल लेना इस सभ्यता के अंत का कारण बनी थी। लेकिन ये सभी कारण पूरी सभ्यता के पतन का की व्याख्या नहीं करते, क्योंकि बहुत से स्थल थे जो नदियों के तट पर नहीं स्थापित थे, बहुत से स्थल खोजे गए हैं जो नदियों के तट पर नहीं थे। तो पूरी सभ्यता का पतन एक साथ नहीं हुआ, कुछ एक स्थलों का पतन ही हो सकता है इससे। तो पेज संख्या 18 देखते हैं एनसीईआरटी की, कक्षा 12 की एनसीईआरटी की। तो पतन के कारण ही बता रहे हैं इसमें, किस पुरातत्वविद के अनुसार भगवान इंद्र ने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया? तो एक पुरातत्वविद ने इसको माइथोलॉजी से जोड़ दिया है, ऋग्वेद में भगवान इंद्र के बारे में जो लिखा हुआ है उसको जोड़ दिया है, पुरंदर उसमें लिखा हुआ है। तो आर.ई.एम. व्हीलर ने ये मत दिया है, एक पुरातत्वविद थे आर्कियोलॉजिस्ट आर.ई.एम. व्हीलर। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? आर.ई.एम. व्हीलर। युद्ध के देवता इंद्र को क्या नाम दिया गया था? तो इसको पुरंदर नाम दिया गया था। पुरंदर का मतलब होता है गढ़ या किला विध्वंसक। तो उस समय गढ़ या किला होता नहीं था, तो उस समय ये शब्द कहाँ से आया? क्योंकि गढ़ या किला कहाँ पर था इस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में गढ़ या किले का दुर्ग वगैरह होता था, तो उसका विध्वंसक कौन हो गया, किसने उसको नष्ट किया? इंद्र भगवान ने नष्ट किया। तो ये शब्द यहीं से, ये इनका मत था वेलर जी का, कि उस समय गढ़िया किला तो होता नहीं था जो वैदिक सभ्यता थी उसके दौरान। तो उनके दिमाग में ये शब्द कहाँ से आया? कि तो इसी से, शायद इसी का विध्वंस किया होगा गढ़िया किले का, क्योंकि गढ़िया किले में रहते थे इस सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, इस कारण से इसको अलग से नाम दिया गया है। यह एनसीईआरटी की बुक का पेज संख्या 17 है, इसमें हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा काल के क्षेत्र दिखाए गए हैं, उत्तर हड़प्पा काल में कैसे शिफ्ट हुई थी ये सभ्यता।
और उसके बाद ये है पेज संख्या 18 है, इसमें जो इंद्र के बारे में जो लिखा गया है वो बताया गया है। इसमें मैंने भी आपको अभी बताया था क्वेश्चन के माध्यम से। ये पेज संख्या 19 है, ये उस समय की मोर है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली मोर पर का बनाया गया रेखा चित्र है। ये ओरिजिनल मोर की फोटो नहीं है, उसका रेखा चित्र बनाया हुआ है। ये पेज संख्या 20 है एनसीईआरटी का, इसमें ये जो टीलों की हमने खुदाई की है, इन टीलों की खुदाई करके ही हमने किसको हड़प्पा सभ्यता को खोजा है। तो टीले इस प्रकार से होते थे, ये टीले ऊंचाई पर बने हुए होते थे, तो इन्हीं को खोद कर इस सभ्यता के सतलों की खोज की गई थी है। पृष्ठ संख्या 19 से निकाले गए प्रश्न है। अब भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे, तो वो कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन थे, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जनरल कनिंघम थे, और ये इस सभ्यता के महत्व को नहीं पहचान पाए थे। इनके समय भी खुदाई की गई थी इन हड़प्पा सभ्यता के सतलों की, लेकिन इस सभ्यता के सतलों का महत्व ये अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं समझ पाए थे। कनिंघम के नेतृत्व में ऐतिहासिक सतलों की खुदाई किस समय काल में हुई, 19वीं शताब्दी में इनकी खुदाई, 19वीं शताब्दी के मध्य में इनकी खुदाई की गई थी। 19वीं शताब्दी का मध्य कौन से साल पड़ गए, 1840 से 1860-70 का जो टाइम पीरियड है उसमें। कौन से पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए थे, तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन मैं ज़रूर शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चनों की सीरीज पहले ही कंप्लीट करवा दी है। उसके करीब 8-10 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं, वो भी ज़रूर देख लें। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष, ये इस सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि ये इतनी पुरानी सभ्यता की ये चीज़ें निकल रही हैं। वो ये मान रहे थे कि कोई टाइम पीरियड रहा होगा मौर्य काल के आसपास का या फिर कुषाण काल के आसपास का, जिस टाइम की ये चीज़ें निकल रही हैं। उनको नहीं पता था कि ये इनसे भी बहुत पहले की 5-6 हज़ार साल पहले की ये चीज़ें निकल रही हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज से पहले भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता थी। उस इसकी खोज से पहले 1921 में इस सभ्यता की खोज की थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। दयाराम सानी ने पहला स्थल खोजा था हड़प्पा, जिसका नाम था। उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, दूसरा स्थल था जो खोजा गया था। रखड़दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, ये आगे के क्वेश्चन इसके अगले और लास्ट वीडियो में देखेंगे, वो पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। ये क्वेश्चंस मैंने पिछले पार्ट्स में करवाए हैं, पिछले पार्ट्स को भी ज़रूर देखें। और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मैंने 15-20 वीडियोस अब अपलोड कर चुका हूँ पूरी डिटेल से इस टॉपिक को। प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस खासकर मैंने कंप्लीट किए हैं, कक्षा 6 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी भी मैं अभी जस्ट कंप्लीट करने वाला हूँ। कक्षा 6 की पहले ही कंप्लीट कर दी है एनसीईआरटी। तो इन वीडियोज़ को सभी को एक ही प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास, इससे संबंधित है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ये टाइटल दिया है उसको। हड़प्पा सभ्यता वगैरह इसमें, इसके फिलहाल तो हड़प्पा सभ्यता के वीडियोज ही हैं इसमें ओनली। तो इसको आप पूरे ध्यान से ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी को इजी वे में, सिंपल वे में आपको पढ़ाया गया है, सभी वीडियोज देख लें आप। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल है धोलावीरा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है, इसका आंसर आपको देना है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।